तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 का कुछ बचे हुए क्वेश्चन कर आगे करेंगे। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ में चलते हैं, ये हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में चलते हैं, इसमें राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। 4 के मल्टीपल लिखने हैं पहाड़े जो 25 से बड़े हो। तो 4 के पहाड़े हम लिखेंगे जो 25 से बड़े, जिसकी वैल्यू 25 से ज़्यादा हो। तो लिखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ 4 के पहाड़े। तो 4 के पहाड़े पहले आप चाहो तो पहले लिख लो मल्टीपल्स ऑफ 4, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन मैं लिख के दिखा देता हूँ मल्टीपल्स ऑफ 4 जो है वो कौन है। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। बस यहीं तक जाना था। अब इसके बाद हमारा आंसर क्या होगा, जो 25 से बड़े कौन है वो है ये 28 32 और 36 और 40। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, जो 25 से बड़े उनको ले लो, तो 28 32 36 और 40। तो ये आपके आंसर इस तरह से हमें कहने थे 4 के मल्टीपल जो 25 से बड़े हो उनको ही लिखने थे, हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 में चलते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। स्मॉलेस्ट मल्टीपल 2 और 5 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन है हमें लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, जिसको हम कहा दूसरे नाम से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से भी जानते हैं, स्मॉलेस्ट मल्टीपल लिखते हैं। लोएस्ट मतलब स्मॉलेस्ट मतलब लोएस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मल्टीपल ऑफ 2, 2 के पहाड़े और हमें लिखने हैं 5। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, दोनों में बराबर लिखते चलेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब देखो जो पहला नंबर जो दोनों में आ जाए वो कौन है, 10 है, 10 सबसे छोटा है, यानी कि यही है 2 5 10। आगे लिखते हैं 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अब दूसरा मल्टीपल ये 20 है और इधर भी 20 है, तो हमारे पास दो मल्टीपल मिल गए। सबसे छोटा कौन है, 10 ही है। तो पहला नंबर हमारा जो आएगा ना वही सबसे छोटा होता है, तो हमारा आंसर आ चुका है। फिर आगे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 5 के टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही मिल चुका है। दोनों में 10 आ गया तो यहाँ भी आप स्टॉप हो सकते हैं, रुक जाएंगे। स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन हो गया वो लिख देंगे आप, यहाँ पे स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो जाएगा 10। जो सबसे पहला मल्टीपल आएगा दोनों में कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल कॉमन मल्टीपल आपका हो जाएगा आपका 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पहला नंबर आ गया वही आपका आंसर होगा। तो पहला नंबर जो सबसे दोनों में आता है, दोनों के मल्टीपल में, वही आपका आंसर होगा। तो पहला नंबर तो 10 ही आ गया, तो इसके आगे बनने की जरूरत नहीं है, आंसर यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो आप ट्राई करना, सेम क्वेश्चन हो गया है, 8 और 12 के मल्टीपल लिखने हैं और सबसे पहला जो आएगा उसमें रुक जाएंगे। तो इस मॉल क्वेश्चन नंबर 8 में देख लें, 3 नंबर हैं, तीनों के मल्टीपल लिखने हैं, जो पहला नंबर होगा उसको खोजना है जो तीनों में आना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 8 आपको होमवर्क रहेगा। तो 7 8 दोनों सेम, एकदम सेम है, बस यहाँ पे 3 नंबर हैं, तीनों में जो नंबर पहला आ जाएगा एकदम सेम टू सेम, तीनों में नंबर वही नंबर होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। तो ये आप ट्राई करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 9 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 9 जो आप देख रहे हो, 9 जो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर अभी जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 नहीं क्वेश्चन नंबर कौन 5 जो हमने किया, क्वेश्चन नंबर 5 और 9 ये दोनों सेम है, क्वेश्चन 5 और 9 ये दोनों सेम है। 5 और 9 को दोनों सेम है, तो आप ये ट्राई करेंगे क्वेश्चन 5 को देखते हुए। पहले 3 के टेबल लिख लेंगे, जो 20 से बड़े होंगे उनको आप उतार लेंगे, 3 के टेबल 30 तक होते हैं, 3 30 तो पूरे लिख लेंगे, और 20 से बड़ा जो भी होगा उनको आप उतार लेंगे अलग से, वही आंसर होगा आपका।
तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल लिखना है, तो 5 और 6 के मल्टीपल लिखने पड़ेंगे आपको। उन दोनों में जो दो जो कॉमन आएगा उनको आप अलग से लिखना पड़ेगा, फिर उसमें जो छोटा होगा उसको भी लिखना पड़ेगा। ये तो वही सेम क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 8 करके दिखाया जाता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे शायद। 8 कर लेता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे, मैं बाकी छोड़ दूँगा कुछ। 8 करते हैं, 8 भी इजी था, ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं कर ही देता हूँ। मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल्स ऑफ 6 इसके हम लिखते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 36, क्या कह रहा हूँ, 6 36, 6 42, 54, देन 60। ये हो गया। अब इसके बाद 9 के पहले लिखेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 27, 36, 4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं 6 के बाद लिखते हैं लास्ट, 15 के, 15 के बाहर, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, फिर 60। ठीक है, 60 के बाद 75, 90, 105, देन 120, देन आएगा 135, देन आएगा 150। ठीक है, अभी इनमें कॉमन निकालते हैं। 6 इधर है तो कहीं भी नहीं है, 12 इधर है तो इधर नहीं है, 18 इधर है तो 18 इधर है, 18 इधर नहीं है, 24 इधर है तो 24 इधर नहीं है, तो 30 इधर है तो 30 इधर नहीं है, 36 इधर है तो 36 इधर है, इधर है क्या, नहीं है। फिर 15 के 10 में 36 नहीं आता, छोड़ो आगे बढ़ो। 42 इधर है तो 42 इधर नहीं है, छोड़ दो। 48 इधर है तो 48 इधर नहीं है, छोड़ दो। 54 इधर है तो 54 इधर है, तो 54 इधर है क्या, नहीं है। तो 60 इधर है, 60 60 60, तो नहीं है, यानी कि हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। 6 10 जा, 6 11 जा, 66, 6 11 जा, 6 12 जा। ठीक है, और आगे बढ़ना है। 66, 72, 78, 78 में, ठीक है, और आगे बढ़ना पड़ेगा। 84, 90, 90 हो गया। ठीक है, तो ये हुआ ना बात, तो 90 तक हम पहुँचे तो मिल गया। 90 इधर भी है, 90 इधर भी है, और 90 इधर भी है, तीनों में 90 है, तो आपका आंसर मिल गया। पहला नंबर हमें मिल चुका है जो दोनों तीनों में है वह 90, तो आंसर आ गया 90। इस तरह से करना था। तो 6 के टेबल में हमने बढ़ाया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, 90 तक लेके गए तो हमें मिल गया। ठीक है ना, तो छोटे वाले को आगे बढ़ाना, बड़े वाले को मत बढ़ाना। ठीक है, तो आपको खोजना होगा तो छोटे वाले को नंबर को थोड़ा आगे बढ़ाना, क्या पता वो बड़े नंबर में के टेबल में से कोई नंबर मैच कर जाए। तो तीनों में 90 आ गया, तो आपका आंसर 90 हो गया। देखो 90 तीनों में है तो 90 आप आंसर लिख देंगे। तो हाई आपका एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो आपका होगा वो 90 होगा, सबसे छोटा जो पहला ही आएगा, पहला ही आता है वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होगा आपका इक्वल टू 90। इस तरह से हमें करना था, टेबल लिखो और कॉमन मल्टीपल निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने जैसे आपको बताया, आपको टेबल लिखने पड़ेंगे और उसमें कॉमन निकालने, दोनों में जो है कॉमन आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगे 5 और 6 का टेबल लिखेंगे, आप दोनों में जो आएगा उनको पूरे उतार लेंगे, सारे के सारे उतार लेंगे इस बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, तो 6 के बाहर लिखने, तो बेटा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 4 18, 6 4 जा 24, यानी 6 के बाहर 4 तक लिखने हैं बस, 6 4 जा 24 तक लिखने हैं, 8 के बाहर भी 4 तक ही, 8 4 जा 32 तक ही लिखने हैं, तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, तो 12 भी वही है, 9 के बाहर और 6 के बाहर लिखने, 18 मल्टीपल्स ऑफ 9 के बाहर लिखने आपको और 6 के बाहर लिखने हैं। ठीक है,
तो वो कहाँ तक लिखने हैं, 9-18 जा तक लिखने हैं। तो ये आप ट्राई करेंगे, घर पे करेंगे, और 6-18 जा तक आपको जाना पड़ेगा। 6 से शुरू करते हुए, 6 से शुरू करते हुए 6-18 जा तक जाना है। 9 से शुरू करते हुए 9-18 जा कितना होता है, पूरा लिखने पड़ेंगे। तो इतने सारे काम है, यानी कि 18 आंसर आने, 9 के पार हैं, 9 के मल्टीपल कितने लिखने पड़ेंगे, 18 आंसर आएंगे आपके। 9 9 9, 9 2 18 करके 9-18 जा कितना होता है, वहाँ तक जाना पड़ेगा। 6 के भी वैसे करने पड़ेंगे, 6 से शुरू करते हुए 6-18 जा कितना होता है, वहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना। फिर उनमें कॉमन मल्टीपल खोजना है, बस ये कर लेंगे, ठीक है। इससे आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 11 12। ऐसे कॉमन, फिर 10 और 12 सेम है तो ठीक है, 10 और 12 सेम है तो इसके आप ना, ये अच्छा काम है आप करना। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा काम है, मल्टीप्लाई करना घर में बैठे बैठे आराम से। तो मैंने आपको बता दिया 9 9 9 से लेकर कहाँ तक, 9 18 9 10 19 में ख़त्म नहीं करेंगे, 9 11 9 12 9 18 तक जाना पड़ेगा। 6 के भी वैसे करने पड़ेंगे, 6 से शुरू करते करते 6 10 में ख़त्म नहीं करना है, 6 18 कितना होता है वहाँ तक पहुँचना है। 18 आंसर निकालने आपको, 18 मल्टीपल 6 के और 9 के, फिर दोनों में कॉमन निकालना है। तो मैं एक क्वेश्चन 10 के लेता हूँ आप, यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर सब इजी है, बहुत ही इजी रहेंगे ये, मल्टीपल्स लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ हम लिखते हैं कोस के 5, 5 के पहले लिखेंगे 5 5, ये तो 10 तक लिखना है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 35, then 40, 45, 50, ठीक है, इतना हो गया। 6 के पार हो जाएंगे, 6 6 6, 6 2 12, 24, 13, 48 एंड 60। अभी इनमें कॉमन मल्टीपल खोजते हैं, कॉमन कौन है, 5 इधर है तो इधर नहीं है, 10 इधर है तो इधर नहीं है, 15 इधर है तो 15 इधर नहीं है, 20 इधर है तो नहीं है, 25 इधर है तो नहीं है इधर, 30 इधर है तो 30 इधर है, दोनों में 30 कॉमन है तो कॉमन मल्टीपल 30 लिख देंगे। आपको कॉमन मल्टीपल यहाँ पर लिख देंगे, कॉमन मल्टीपल में आप लिख देंगे 30। और कोई कॉमन है तो देख लेंगे, ठीक है, ऐसे जितना इतने में कॉमन आ गया तो देख लेंगे। 35 है यहाँ पे तो इधर 35 नहीं है, 40 है तो इधर 40 नहीं है, 45 इधर है तो 45 इधर नहीं है, 50 इधर है तो 50 इधर नहीं है, तो छोड़ देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं, 50, फिर 50 के बाद यहाँ पे 5 का टेबल थोड़ा सा आगे बढ़ाएं छोटा सा, 5 11 55, 5 12 60, तो 60 आपको मिल जाएगा। ये दोनों देखो, दोनों में 60 है तो इतना आप काम कर सकते हो, मैंने तो कर लो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो 60 हो गया, 5 12 60, दोनों में 60 है, 60 भी कॉमन है, तो 60 आप लिख देंगे यहाँ पे। तो हमने 2 आंसर निकाल दिया, काम खत्म हो गया, ये 2 आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है, ये 2 आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आपको करना था, तो आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है, और कॉमन निकालने हैं। अगर जितना लिखा है 10th तक ही लिखा, नहीं निकाल तो 60 नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं, इतना वो भी चलेगा, ये आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, आप बाकी प्रैक्टिस करें होमवर्क में जो दिया है।